नहीं नहीं नहीं, दर्द होता है। यही तो बात है, और एलोवेरा चोट के लिए सबसे अच्छी दवाई है। अब तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया बलू, देखा, दर्द से ज्यादा तुम्हें डर लग रहा था। हे, एक सेकंड रुको, मुझे इस चोट के लिए कुछ इनाम मिलना चाहिए। मुझे हड्डी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। कितना आसान है, ठीक वही चीज जो तुम्हें मेरे इलाज के बदले देनी है, इसलिए बघीरा वो हड्डी मुझे दे देगा। बलू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ गजिनी, बच्चे बीमार हैं? नहीं, हाथी बीमार है। गजिनी, बच्चों, मैं घर आ गया। पर डैडी, हम यहाँ हैं, और यहाँ हमारा घर नहीं है, यहाँ तो बंदर रहते हैं। रीता, अप्पू, मेरे प्यारे बच्चों। हाथी नहीं जानता कि वो कहाँ है, और ना ही कि वो किसके साथ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जरूर घाटी वाले मशरूम खाए होंगे। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, हाथी गलती से तलहटी में उगने वाली बेरीज खाने गया था, तो ठीक तो हो जाएगा ना? अगर उसका इलाज नहीं किया तो हाँ, और अगर देर हो गई तो हाथी ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया, चलो दिखाओ तुम्हारी सूंड कितनी साफ है। हाथी के इलाज का बस एक ही तरीका है, हमें नीले पहाड़ी फूलों का इंतजाम करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। हाथी, मैं तुम्हारा नीले फूलों से इलाज करने जा रहा हूँ। इलाज? गजिनी मेरी प्यारी, क्या तुमने सुना ये बूढ़ा कछुआ क्या कह रहा है? जैसे कि मैं बीमार हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मम्मी, वो पूरी तरह पागल हो चुके हैं। Well, अब मैं चलता हूँ दोस्तों। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो इस इलाके से गुजर रहा है, उसका नाम है पाका। पाका? पर वो तो मेरा भाई है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Well, ठीक है। बहुत बढ़िया मोगली, मुझे बहुत खुशी है कि तुम पाका के दोस्त हो। मुझे लगता था उसे जंगली सुअर पसंद नहीं है। ये तो मजे की बात है ना राना, मैं राणा के साथ जा रहा हूँ। तुम दोनों मामी को परेशान मत करना। गुड बाय डार्लिंग। मालिक, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, बूढ़ा हाथी अब किसी को पहचान नहीं पा रहा है। मेरे लिए तो अच्छी खबर बस होगी हाथियों का कब्रिस्तान। जरा सोचिए मालिक, अगर हाथी किसी को पहचान नहीं पा रहा तो वो आपको भी नहीं पहचान पाएगा। अगर मैं उसे शक हुए बिना उसके करीब पहुँच सका तो एक दुश्मन कम हो जाएगा। देखा आपने कितनी अच्छी खबर है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए? तुम्हें हड्डी मिलेगी जब हाथी इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ कि तुमने उस बुढ़े बेवकूफ को कहाँ देखा? जरूर मालिक। चिंता मत करो, हमारे वापस आने तक हाथी ठीक हो चुका होगा। गुड लक मोगली, होशियार रहना। सब ठीक हो जाएगा गजिनी, जब तक हाथी नहीं लौटाता बघीरा और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे डर है कि कहीं हाथी हमेशा ऐसा ही ना रह जाए। हाथी कहाँ है बताओ, इससे पहले कि मैं इसे कच्चा चबा जाऊं। हाथी पहाड़ों की तरफ गया है। वो अपने भाई के लिए फूल लेने गया है, पर उसे खुद पर ज्यादा ध्यान देने की आदत है। मैं इस सुनहरे मौके को हाथ से निकलने नहीं दे सकता। सुनो चिम्स, पता है शेर खान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं है, फिर भी मैं थक गया हूँ। चलो चलो जल्दी करो, मेरे दोस्त शेर खान ने जाने से पहले बिल्कुल साफ कहा था, अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये पंखा
जरा जल्दी जल्दी चलाओ। तो उस हड्डी का क्या हुआ माशा? मुझे आज ही मिलेगी या फिर कल तक इंतजार करना होगा? ला रही हूँ, ला रही हूँ। एक नारियल। हाथी नहीं, वो मधुमक्खियों का छत्ता है। इसका स्वाद बहुत ही तीखा है। हाथी तुम तो सब जानते हो, मधुमक्खियों से बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। मधुमक्खियाँ? बेचारा राणा, तुम्हारी नजर को धोखा हो रहा है। जाहिर है कि इनसे बचने का सबसे आम तरीका है पानी में कूदना, पर अगर उन्हें तुमसे कोई परेशानी हो तो, क्योंकि नहीं तो तुम्हें एक ही जगह पे बिना डरे खड़े रहना होगा। डरने की कोई बात नहीं। हमें बस नदी पार करनी है, पाका बस पहुंचने ही वाला होगा। वैसे ये पुल कुछ खास मजबूत नहीं लग रहा। पानी में गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैर सकता हूँ। हाथी जल्दी करो, और तेज, चकाला आ रहा है। चकाला? अब वो कौन है? वो मगरमच्छ, पूंछ पकड़ लेता है। एक मगरमच्छ? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यह आवाज तो भैंसे जैसी थी। हमें जल्दी जाना होगा, पाका हमारा इंतजार नहीं करेगा। मुझे प्यास लगी है। क्या हम नदी में जाकर पानी पी सकते हैं मॉम? उनके साथ मैं जाता हूँ। तुम शैतान बंदर, एक बार शेर खान हाथी से छुटकारा पाले, फिर तुम सबको नहीं छोड़ेगा। लोमड़ी का स्वाद बहुत बुरा होता है। शेर खान हाथी पर हमला करने वाला है। नीले पहाड़ी फूल। पाका, मेरा भाई कहाँ है राणा? ज्यादा दूर नहीं, वॉटहॉग की कसम। तो उसे लगता है कि मोगली एक वॉटहॉग है? ये तो बच्चों का खेल होगा। ये लो हाथी, इसे खाओ। बेर, मैं नहीं खा सकता, इनमें कांटे लगे हैं। जानते हो इन कांटों में पानी भरा होता है। मुझे तो कांटे महसूस भी नहीं हो रहे हैं। बस बाल बाल बचे हाथी, वो पागल वॉटहॉग तुम्हें काटने ही वाला था। सच में? लेकिन तुम कौन हो? आओ आओ आ जाओ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा भाई हूँ। पाका! चलो सूंड मिलाते हैं प्यारे भाई। तुम पाका नहीं हो, तुम शेर खान हो। नामुमकिन, मैंने तुम्हें पहाड़ी से नीचे गिरते देखा था। लगता है आजकल सभी को नजर का धोखा हो रहा है। हाथी, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? वेल हाँ, तुम एक जंगली सुअर हो जो कि काफी हद तक मोगली जैसा लगता है। डार्लिंग, बच्चों, मैं ठीक हो गया। हमें आप ऐसे ही पसंद है डैडी। क्यों ना हम दलदल में थोड़ा सा आराम कर लें, इस बार हमारे असली घर में। बेकार मगरमच्छ। मालिक, आपने हाथी को ठिकाने लगा दिया, इस बार तो आपको मुझे इनाम में एक हड्डी देनी ही होगी। जरा रुको और देखो तुम्हें इनाम में क्या मिलता है, तुम और तुम्हारा बकवास आइडिया।
लेकिन मालिक, मालिक, मालिक। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, ये है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने कर